केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंट्रेंस देवास के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए ने 2011 में ये सौदा रद्द कर दिया था, जो बेहद धोखाधड़ी का सौदा था। सीतारमण का कहना था कि एंट्रेंस की धोखाधड़ी के सौदे से देवास बच नहीं पाए, इसलिए सरकार ने सभी अदालतों में जाकर लड़ाई लड़ी। नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ पब्लिक न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए और निशाना साधा। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बारे में कैबिनेट नोट तक का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब मैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बात करना चाहती हूँ। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 2005 में एंट्रिक्स और देवास के बीच ये डील फाइनल हुई थी, जो देश और देश के लोगों के साथ बड़ा धोखा था। सीतारमण ने आरोप लगाया कि इस मास्टर गेम का खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि यूपीए ने गलत हथकंडों को अपनाया। अब उन्होंने जवाब मांगा है कि आखिरकार देश और देश के लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे हुई, इसका जवाब इस बार खुद कांग्रेस पार्टी को देना होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस तरह के वेवलेंथ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम बैंक की बिक्री करना और उन्हें निजी कंपनियों को बेचकर अपने फंड जुटाना कांग्रेस की खासियत रही है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक इस तरह के सौदे नेशनल सिक्योरिटीज के लिए किए जाते थे, जो देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा घपला किया गया था। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि उन्होंने आखिर क्यों देश के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया, इस बात का स्पष्टीकरण उन्हें देना होगा। बता दें कि 2005 से 2010 के बीच इस मुद्दे पर कई तरह के विवाद हुए और घमासान भी मचा, जिसके बाद इस डील को रद्द कर दिया गया था। देवास ने इसी आधार पर भारी मुआवजा मांगा था और जिसे NCLAT में चुनौती दी गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि वाकई में कांग्रेस की तरफ से धोखाधड़ी की गई थी, और अगर नहीं की गई थी तो कांग्रेस इस बात का स्पष्टीकरण कैसे देगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से पहले आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी जानकारी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से पीछे न रह पाए। मैं मिलूंगी आपसे एक और नए वीडियो में कुछ और नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखिए।